नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं खबरों की। टोक्यो ओलंपिक के जैवलिन थ्रो इवेंट में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीतकर इतिहास रच दिया है। एथलीट्स में भारत की ओर से ओलंपिक मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा पहले खिलाड़ी बने हैं। नीरज चोपड़ा का यह खास कारनामा करते ही उन पर इनामों की बारिश शुरू हो गई है। पानीपत के रहने वाले नीरज चोपड़ा को हरियाणा सरकार ने 6 करोड़ रुपए और सरकारी नौकरी देने का फैसला किया है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने नीरज चोपड़ा को बधाई देते हुए कहा है कि नीरज चोपड़ा ने पूरे देश को जीत लिया है। उन्होंने कहा कि नीरज चोपड़ा ने न केवल पद जीता है बल्कि पूरे देश का दिल भी जीता है। देश इस पल का लंबे समय से इंतजार कर रहा था और पूरे देश को उन पर गर्व है। नीरज चोपड़ा पर इनामों की बारिश हो रही है। आपको बता दें कि पानीपत के रहने वाले नीरज चोपड़ा को हरियाणा सरकार ने 6 करोड़ रुपए और सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है। वहीं हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने नीरज चोपड़ा को बधाई देते हुए कहा है कि नीरज चोपड़ा ने पूरे देश को जीत लिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि नीरज चोपड़ा ने न केवल पद जीता है बल्कि पूरे देश का दिल भी जीता है। देश इस पल का लंबे समय से इंतजार कर रहा था और पूरे देश को उन पर गर्व है। वहीं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मिलते ही भारत अब एक्शन में आ गया है और उसका असर भी अब दिखने लगा है। भारत की अध्यक्षता में शनिवार को अफगानिस्तान के हालात पर चर्चा हुई, जिसमें पाकिस्तान को न्योता नहीं दिया गया। इस बात से पाकिस्तान परेशान हो गया है। पाकिस्तान ने शनिवार को इस बात पर अफसोस जताया कि उसे अफगानिस्तान का सबसे करीबी पड़ोसी होने के बावजूद युद्धग्रस्त देश की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में आमंत्रित नहीं किया गया। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने एक बयान में कहा है कि संयुक्त राष्ट्र के मंच का इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ झूठ फैलाने के लिए किया गया है, जबकि उसे अपनी बात रखने का मौका तक नहीं दिया गया। आपको बता दें कि अगस्त महीने के लिए यूएनएससी के अध्यक्ष भारत की अगुवाई में 15 देशों की शक्तिशाली सुरक्षा परिषद अफगानिस्तान की स्थिति पर चर्चा के लिए बैठक का आयोजन किया था, जिसमें पाकिस्तान को आमंत्रित नहीं किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान सम्मान निधि योजना के तहत वित्तीय लाभ की अगली किस्त 9 अगस्त को दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जारी करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में इसकी सूचना दी गई है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि इससे 9.75 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को 19,500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। इस दौरान पीएम मोदी किसानों के साथ बातचीत भी करेंगे और राष्ट्र को संबोधित भी करेंगे। पीएम किसान योजना के तहत किसान परिवारों को 6,000 रुपए प्रति वर्ष दिए जाते हैं। ये पैसे 2,000 रुपए की 3 समान किश्तों में सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं और इस योजना के जरिए अब तक 1.38 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसान परिवारों को भेजी जा चुकी है। तो आपको बता दें कि पीएम किसान योजना के तहत किसान परिवारों को 6,000 रुपए प्रति साल दिए जाते हैं और ये पैसे 2,000 रुपए की 3 समान किश्तों में सीधे बैंक अकाउंट में ही ट्रांसफर हो जाते हैं। इस योजना के जरिए अब तक 1.38 लाख करोड़ रुपए से अधिक राशि किसान परिवारों को अब भेजी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टी अपनी कील काटे दुरुस्त कर रही है। पार्टियों ने अभी से जाति गठित अभियान की जबरदस्त शुरू कर दी। तो वहीं सत्ता सीन बीजेपी की आरकान युवाओं का यूपी आगमन होना शुरू हो गया है। चुनाव आते ही राजनीतिक दलों के दिल की थकनी तेज हो गई। पार्टियों ने अपनी तैयारियों को तेज करने के लिए कार्यकर्ताओं और नेताओं को जिम्मेदारी सौंप दी। चुनाव में भले ही वक्त अभी बचा है, लेकिन पार्टियों ने अपने इरादे जाहिर कर दिए। कोई ब्राह्मण की बात कर रहा है
पिछड़ों की तो कोई मुस्लिमों की, हर पार्टी अपने अपनी रणनीति के तहत बाजी खेलने की फिराक में दिखाई दे रही है। इन सबसे इतर भाजपा की तैयारियों में मशगूल दिखाई दे रही है। बीते कुछ दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह ने यूपी का दौरा किया, वहीं अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यूपी आए हुए हैं। जेपी नड्डा अपने इस दौरे पर चुनावी तैयारियों का जायजा लेंगे, साथ ही चुनावी तैयारियों को धार भी देंगे। भारतीय जनता पार्टी के आला कमान के नेताओं का लखनऊ आना शुरू हो गया है। बीते दिनों अमित शाह लखनऊ के दौरे पर थे और आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लखनऊ दौरे पर हैं और कल आगरा जाएंगे। आज आपको हम दिखाना चाहेंगे इंदिरा गांधी ससुराल में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो जिला पंचायत अध्यक्ष है वह ब्लॉक प्रमुखों के साथ मीटिंग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी 2022 के चुनाव को लेकर तैयारियों को तेज कर दिया है और कल जेपी नड्डा आगरा दौरे पर रहेंगे। आज यहाँ पर जो पिछड़ा वर्ग के लोग हैं उनको साधने की कोशिश कर रही है, उनके लिए जगह जगह सम्मेलन किए जा रहे हैं और 2022 में बीजेपी अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए तैयारियां कर रही है। कैमरामैन मेरे साथ ध्यानवाद की लखनऊ। बात करें अगर समाजवादी पार्टी की तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बीते दिनों साइकिल यात्रा निकालकर सत्ता पक्ष में खलबली मचा दी है। अखिलेश ने साइकिल यात्रा की और उस साइकिल यात्रा से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार पर गंभीर निशाना साधा। ऐसा मिसमैनेजमेंट, ऐसी सरकार की नाकामी और पूरा का पूरा सरकार का जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन था उसने जनता को धोखा देने का काम किया। बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई, जिन परिवारों के सदस्य जिन परिवारों ने खोए हैं उनकी दुखी कल्पना नहीं की जा सकती। अखिलेश यादव यही नहीं रुके, उन्होंने ये तक कह डाला कि आने वाले समय में 400 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करके इतिहास लिखेंगे। आने वाले समय में हो सकता है जनता समाजवादियों को 400 सीटें भी जितवा दे। अभी तक तो हम 350 बोलते थे, लेकिन जिस तरह की नाराजगी जनता के बीच में है हो सकता है 400 सीटें जीत जाए। इससे इतर समाजवादी पार्टी ने आज फिर से मंडल कमीशन को लागू करने के लिए भी आवाज बुलंद कर दी है। समाजवादी पार्टी ने अपनी ओबीसी पॉलिटिक्स को धार देना शुरू कर दिया है। चुनाव को ध्यान में रखते हुए समाजवादी पार्टी ने अब प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण लागू करने की मांग की है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज जो मंडल रिपोर्ट है उसमें संशोधन की सरकार से मांग की है और साथ ही साथ आज पूरे प्रदेश में मंडल दिवस मनाया गया है। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो आने वाले 2022 के चुनाव हैं उनको देखते हुए जो जातीय समीकरण है वो काफ़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं सभी राजनीतिक पार्टी जो पिछड़ा वर्ग के लोग हैं उनका वोट साधने की कोशिश कर रही है। कैमरामैन मन्ना के साथ ध्यानवाद की लखनऊ। देखा आपने कि कैसे इन दिनों यूपी में राजनीति गरमाई हुई है। सत्ता हो या विपक्ष, हर कोई अपनी तैयारियों में जूझा हुआ है। हर पार्टी चाहती है कि सत्ता की चाबी उसके हाथ में आ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट टाइम टीवी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार की सुबह यानी कि आज 10:40 पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ लखनऊ से विमान से आकर खेड़िया एयरपोर्ट पर उतरेंगे। वह 7 घंटे शहर में रहेंगे। शाम 5:30 के करीब वे लखनऊ के लिए रवाना होंगे। पार्टी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए एयरपोर्ट से लेकर कार्यक्रम स्थल तक रास्तों को होल्डिंग से सजाया गया है। वहीं जगह जगह पर स्वागत द्वार भी बनाए गए हैं जहां भाजपा कार्यकर्ता पुष्प वर्षा करके उनका जोरदार स्वागत करेंगे। आपको बता दें कि फतेहाबाद रोड स्थित ताज विलास होटल में सुबह 11:00 से दोपहर 2:00 तक भाजपा ब्रज क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं से जेपी नड्डा संवाद करेंगे।
और उसके बाद ब्रज क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधियों के साथ बैठकें भी होंगी। दोपहर 3 बजे फतेहाबाद रोड पर SNJ गोल्ड कन्वेंशन सेंटर में कोरोना योद्धाओं के रूप में चिकित्सकों को सम्मानित किया जाएगा। बता दें कि मुख्यमंत्री के साथ MSMI मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह और नगर विकास राज्य मंत्री महेश चंद गुप्ता भी मौजूद होंगे। अगली खबर की ओर, ट्विटर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का अकाउंट को अस्थायी तौर पर सस्पेंड कर दिया है। ट्विटर ने राहुल गांधी द्वारा दिल्ली कैंट कथित रेप मर्डर मामले में बच्ची के माता पिता की साझा की गई तस्वीर को हटा दिया था। संभवतः इसी मामले में उनके अकाउंट पर कार्रवाई भी की गई है। राहुल के ट्विटर अकाउंट को अस्थायी रूप से सस्पेंड किए जाने की जानकारी देते हुए कांग्रेस पार्टी ने बताया है कि अकाउंट को फिर से बहाल करने की प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है। तो राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है। आपको बता दें कि ट्विटर ने राहुल गांधी द्वारा दिल्ली कैंट कथित रेप मर्डर मामले में बच्ची के माता पिता की साझा की गई तस्वीर को हटा दिया था और इसी मामले में उनके अकाउंट पर कार्रवाई भी की गई है। राहुल के ट्विटर अकाउंट को अस्थायी रूप से सस्पेंड किए जाने की जानकारी देते हुए कांग्रेस पार्टी ने यह बताया है कि अकाउंट को फिर से बहाल करने की प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है। वहीं केंद्र के संसद में बिजली विधेयक 2020 पेश करने के जन विरोधी कदम का विरोध करते हुए पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर इस विधेयक पर आगे नहीं बढ़ने का अनुरोध किया। बिजली विधेयक 2021 विद्युत उपभोक्ताओं को विभिन्न सेवा प्रदाताओं में से चुनाव का विकल्प देता है, ठीक उसी तरह जैसे कि उनके पास टेलीकॉम सेवाओं में विकल्प उपलब्ध है। लोकसभा के 2021 को जारी बुलेटिन के मुताबिक सरकार इसे उन 17 नए विधेयकों की सूची में रखा गया है जिन्हें संसद के मौजूदा सत्र में पेश करने की उसकी योजना है। वहीं ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है कि वो यह सुनिश्चित करें कि इस विषय पर व्यापक आधार वाला और पारदर्शी संवाद जल्द से जल्द शुरू किया जाए। उन्होंने रेखांकित किया है कि ये विधेयक सरकारी सार्वजनिक उपयोगिता निकायों की भूमिका को कमतर करेगा और साठ गांठ वाले पूंजीवाद को बढ़ावा देगा। सीएम ममता ने पिछले साल 12 जून को मोदी को पत्र लिखकर मसौदा विद्युत विधेयक को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की थी, जो उनके मुताबिक देश के संघीय ढांचे को बर्बाद करने का केंद्र द्वारा एक प्रयास था। तो आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने रेखांकित किया था कि यह विधेयक सरकारी सार्वजनिक उपयोगिता निकायों की भूमिका को कम करेगा और साठगांठ वाले पूंजीवाद को बढ़ावा देगा। साथ ही आपको बता दें कि सीएम ममता बनर्जी ने पिछले साल 12 जून को मोदी सरकार को पत्र लिखकर मसौदा विद्युत विधेयक को लेकर अपनी नाराजगी भी जाहिर की थी, जो उनके मुताबिक देश के संघीय ढांचे को बर्बाद करने का केंद्र द्वारा एक प्रयास था। देश भर में बारिश का दौर जारी है। आज रविवार को भी कई स्थानों पर बारिश की संभावना है। यूपी में आज राज्य में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है, जबकि 9 अगस्त को पश्चिमी यूपी और पूर्वी यूपी में अलग अलग स्थानों पर बारिश गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। इसी तरह 10 अगस्त को पूर्वी उत्तर प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर बारिश होने और गरज के साथ बौछारें पड़ने की भी संभावना जताई जा रही है। वहीं केरल के कई स्थानों पर येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो आपको बता दें कि यूपी के कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। रविवार को भी स्थानों पर बारिश की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें कि 9 अगस्त को पश्चिमी यूपी और पूर्वी यूपी में अलग अलग स्थानों पर बारिश गरज के साथ ही बौछारें पड़ने की संभावना है और इसी तरह 10 अगस्त को पूर्वी उत्तर प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर बारिश होने और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। अगर केरल की बात की जाए तो केरल के कई स्थानों पर येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए